आज हम डिस्कस करेंगे बोसिंजर इफेक्ट के बारे में। इसको ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि जिन्होंने इसका पता लगाया था उनका नाम ओहन बोसिंजर था, तो इसलिए इसको नाम दिया गया है बोसिंजर इफेक्ट। तो ये उन्होंने 1886 में इसका पता लगाया था कि ये इफेक्ट होता क्या है, इन्होंने इसके बारे में बताया था। तो ये है क्या, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बोसिंजर इफेक्ट के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक रोड है, सिलेंड्रिकल रोड है, आप उसके ऊपर टेंसाइल फोर्स अप्लाई करते हैं, दोनों तरफ से टेंसाइल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, तो क्या होगा, इसकी लेंथ इंक्रीज होगी, इसकी लेंथ इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी, हम इसके ऊपर टेंसाइल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, जैसे ही इसकी लेंथ इंक्रीज होगी, हम जानते हैं जब भी हम किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो हमें ऑपोजिट रिएक्शन देती है, तो इसी तरह से अगर हमने इसके ऊपर टेंशन लगाई तो क्या होगा, इसके अंदर कुछ फोर्सेस जनरेट होंगी जो कि ऑपोजिट होंगी टेंशन के। टेंसाइल फोर्स इस तरफ है तो इसके अंदर कंप्रेसिव फोर्स जनरेट हो जाएगी जो इसके एलोंगेशन को रोकने की कोशिश करेगी। तो ये जो फोर्सेस हैं, अगर हम यहाँ पे इसको अनलोडिंग कर दें, ये प्लास्टिक स्टेज में चली गई, मान लीजिए इलास्टिक से प्लास्टिक में चली गई, तो ये वापस तो आ नहीं सकेगी अपनी जगह पे, क्योंकि इलास्टिक चीज़ है, वो तो अपनी शेप को ओरिजिनली गेन कर सकती है, लेकिन अगर प्लास्टिक रीजन में चली गई तो वो ओरिजिनली गेन नहीं कर सकती, थोड़ा बहुत गेन कर सकती है, लेकिन इसके अंदर क्या होंगी, ये कंप्रेसिव फोर्सेस इसके अंदर जनरेट हो जाएंगी। अब हमने इसको अनलोड कर दिया, अब क्या है, अब अगर हम इसके ऊपर दोबारा से फोर्स लगाएं, लेकिन वो कंप्रेसिव फोर्स हो, टेंसाइल की जगह वो कंप्रेसिव फोर्स हो, इस तरफ की फोर्स हो, तो क्या होगा, अब देखिए ये जो फोर्सेस हैं इसके अंदर पहले से ही हैं जो जनरेट हुई थी टेंशन के कारण ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन हमने क्या किया, इसको अनलोडिंग किया और कंप्रेसिव फोर्स इसको दे दी। कंप्रेसिव फोर्स मतलब पहले से ही इसके अंदर कंप्रेसिव फोर्सेस थी जो इसको अंदर की तरफ खींचने की कोशिश कर रही थी, और हमने ऊपर से फिर कंप्रेसिव फोर्स बाहर से भी अप्लाई कर दी, तो क्या होगा, इसके अंदर जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा वो बहुत ही जल्दी होगा, मीन्स ये कम कंप्रेसिव फोर्स पे डिफॉर्म हो जाएगी, ये बोसिंजर इफेक्ट कहता है। तो इसको हम ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जब भी हम किसी मेटल के ऊपर टेंशन फोर्स लगाते हैं तो उसका हम टेंसाइल का ग्राफ बनाते हैं, डक्टाइल मटेरियल का स्ट्रेन और स्ट्रेस डायग्राम। तो यहाँ पे स्ट्रेन है, यहाँ पे स्ट्रेस है जो वर्टिकल है, यहाँ पे हमने नेगेटिव लिया है और यहाँ पे नेगेटिव स्ट्रेस लिया है, यहाँ नेगेटिव स्ट्रेन लिया है, ये पॉजिटिव स्ट्रेस और स्ट्रेन है। तो अगर हम टेंशन अप्लाइड करते हैं किसी रोड के ऊपर तो हमारा जो ग्राफ है वो इस तरह का आता है लगभग, वो हम बनाते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो बनाते हैं। तो मान लीजिए ओ से ए तक इसका जो हम इसको टेंशन देते हैं, टेंसाइल फोर्स देते हैं, और उसके बाद बी पर ये यील्ड पॉइंट को गेन कर लेता है, मीन्स इलास्टिक स्टेज को पार कर लेता है और प्लास्टिक स्टेज में एंटर कर जाता है। तो ये है ओ ए बी, जब हम इसको टेंसाइल फोर्स देते हैं रोड को। तो अब हम इसको अनलोडिंग कर दें, अनलोडिंग कर देंगे, अब ये यील्ड पॉइंट को क्रॉस कर चुका है, मींस इलास्टिक प्लस प्लास्टिक रीजन में चला गया है। तो अगर हम इसको यहाँ पे अनलोडिंग कर दें, इसके ऊपर से टेंसाइल फोर्स हटा लें, तो ये जो इसने पाथ ट्रेवल किया ओ ए बी, तो ये सेम उस पाथ को ट्रेवल नहीं करेगा, मींस इस तरह का पाथ ट्रेवल करेगा, बिल्कुल सेम वापिस नहीं आएगा, कुछ इस तरह से वापस आएगा। मान लीजिए बी सी यहाँ पे ले लेते हैं, तो ये बी सी पाथ ट्रेवल करेगा, ये जो गैप है मीन्स जो ये स्ट्रेन है इसके अंदर कुछ ना कुछ रह जाएगा, स्ट्रेन मतलब चेंज इन लेंथ, पूरी लेंथ को वो कवर नहीं कर पाएगा, कुछ ना कुछ चेंज इन लेंथ रह जाएगा। तो इतना ग्राफ आपकी समझ आया कि हमने टेंशन फोर्स अप्लाई किया तो ये ग्राफ मिला, तो ये यील्ड पॉइंट क्रॉस कर गया, इलास्टिक प्लस प्लास्टिक रीजन में चला गया, उसके बाद हमने अनलोडिंग करी, अनलोडिंग करी तो ये पूरा वापस नहीं आएगा, इसी पाथ को ट्रैवल नहीं करेगा, कुछ स्ट्रेन इसमें रह जाएगा, मींस कुछ लेंथ वो रिकवर नहीं कर पाएगा, तो ये वाला पाथ वो कवर करेगा बी सी।
अब हमने अनलोडिंग कर दिया, अब हम इसको कंप्रेसिव फोर्स देते हैं, मीन्स उल्टी उल्टी फोर्स, मीन्स टेंशन बाहर की तरफ थी, इस तरफ थी, तो हम उसको कंप्रेसिव फोर्स देते हैं, इसको दबाते हैं। तो जो ये पाथ ट्रेवल करेगा कंप्रेसिव फोर्स में, मान लीजिए ये है, ये पॉइंट आ गया डी, मान लीजिए ये पॉइंट डी आ गया, तो ये कहता है कि ये जो डी पॉइंट आया है, अगर हम पहले जैसे स्टार्टिंग मटेरियल था, कोई रोड थी, अगर हम इसको डायरेक्टली कंप्रेसिव फोर्स देते, डायरेक्टली टेंशन ना देते, कंप्रेसिव फोर्स देते, तो ये ग्राफ हमारा लगभग इस तरह का आता, इस तरह का ग्राफ आता। जो ये पॉइंट डी है वो यहाँ पे होता, इसको हम डी डैश लेते हैं, मीन्स ये जो डी पॉइंट है इसने जल्दी ले लिया। पहले ये डी डैश जो पॉइंट था, अगर डायरेक्टली हम इसको कंप्रेसिव फोर्स देते तो ये जो यील्ड पॉइंट था यहाँ पे आता, जो इलास्टिक प्लस प्लास्टिक रीजन में एंटर करने का पॉइंट था, लेकिन हमने इसको पहले टेंशन दिया, फिर इसको अनलोडिंग किया और फिर इसको कंप्रेसिव फोर्स दी, तो ये डी पॉइंट जल्दी आ गया। क्यों? क्योंकि पहले ही इसमें कंप्रेसिव फोर्स ही जनरेट हो चुकी थी, हमने फिर उसको कंप्रेसिव फोर्स दी, मीन्स ये प्लस हो गई, प्लस हो गई तो जल्दी से डिफॉर्म हो गया। तो ये कहता है बसिंजर इफेक्ट कि कोई भी चीज़ है, अगर हम उस पर प्लस और फिर माइनस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, वो जल्दी से जो अपना जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है उसको जल्दी गेन कर लेगा। इसी तरह से ये कहता है कि इस पॉइंट पे है मान लीजिए, तो अगर हम पहले इस पे कंप्रेसिव फोर्स लगाते फिर क्या होता, ये कंप्रेस होता तो इसके अंदर टेंशन फोर्स जनरेट हो जाती, टेंसाइल फोर्स जो बाहर की तरफ होती, तो फिर हम इसके ऊपर टेंसाइल फोर्स लगाते, टेंसाइल फोर्स, तो क्या होता, अगर हम इसका उल्टा लें, इस एग्जांपल का हम उल्टा लें कि हमने कंप्रेसिव अप्लाई की तो टेंशन इसके अंदर आ गई, टेंशन इसके अंदर आ गई तो हमने टेंसाइल फोर्स अप्लाई की तो ये भी प्लस हो गई, तो ये पाथ जो है ये कवर करता, तो इसमें कुछ ना कुछ स्ट्रेन रह जाती, लेकिन वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, मीन्स कंप्रेसिव हम फोर्स लगा रहे हैं, तो ये पाथ इस तरह का होता, मीन्स जो ये पॉइंट था वो यहाँ पे हमें मिलता, जो ये बी पॉइंट था यहाँ पे बी डैश है, ये हमें पहले मिल जाता। तो अगर कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे तो फिर उसके बाद उसको अनलोड करके टेंशन लगाएंगे तो टेंशन वाला डिफॉर्मेशन हमें पहले मिल जाएगा, अगर हम टेंशन फोर्स लगाएंगे उसको अनलोडिंग करेंगे और फिर कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे तो कंप्रेसिव फोर्स में हमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन वाला पॉइंट पहले मिलेगा जो ओरिजिनल से था, जो ओरिजिनल कंपोनेंट में था। तो ये बसिंजर इफेक्ट कहता है। तो ये था बसिंजर इफेक्ट। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।